ये देखो बच्चों, ये आपकी हिंदी की बुक है, ठीक है। ऊपर लिखा है चित्र कथा, मतलब इसमें चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को आपको समझना है और उस चित्रों को समझते हुए क्या होगा, अंत में आपके पास एक कहानी बन जाएगी, ठीक है। इस कहानी का नाम है लालच बुरी बला है, मतलब लालच करना गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा ये देखिए, इसमें क्या है, ये एक डॉगी है, एक कुत्ता है। इसको क्या मिलता है, इसको एक दिन एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और ये रोटी का टुकड़ा लेते हुए अपने घर जाने लगता है। और जब ये जाता है तो इसको रास्ते में एक पुल दिखाई देता है, नीचे नदी बह रही होती है और ऊपर पुल होता है। ये लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ जाता है। जब ये लकड़ी के ऊपर के पुल के ऊपर चढ़ता है तो ये पानी में देखता है, पानी में इसको अपनी ही जैसी परछाई दिखाई देती है, क्योंकि जब पानी साफ होता है, रुका हुआ होता है, बहता नहीं है, तो उस पानी के अंदर हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। तो उस डॉगी को भी अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई उस पानी के अंदर नज़र आती है और वो क्या देखता है, अरे पानी के अंदर तो एक और कुत्ता बैठा है और उसके मुंह में भी रोटी है और मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो ये डॉगी सोचता है क्यों ना मैं उस कुत्ते की भी रोटी ले लूँ, ठीक है। और ये जो कुत्ता होता है पानी में अपनी ही परछाई को देखकर बहुत तेज़ भौंकना शुरू कर देता है और भौंकने के लिए जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो क्या होता है, उसके मुंह की रोटी निकलकर पानी में गिर जाती है। अब उस डॉगी को, उस कुत्ते को समझ में आता है कि पानी के अंदर तो कोई और डॉगी था ही नहीं, वो तो मेरी ही परछाई थी। और उसको बहुत दुख भी होता है कि उसकी रोटी पानी में गिर गई है, अब वो क्या खाएगा, उसको भूख भी लगी होती है। लेकिन अब वो उदास होकर अपने घर चला जाता है, निराश होकर वहाँ से चला जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो बताओ इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला होती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पेज को देखना है, अपनी बुक को खोलना, पेज नंबर 85 को ओपन करना, इन चित्रों को ध्यान से देखना, ठीक है। इन चित्रों को जब आप ध्यान से देखोगे फिर अपने मम्मी को, अपने पापा को ये पूरी कहानी आपको सुनानी है, अपने शब्दों में सुनानी है। और सुनाने के बाद आप एक काम और करिएगा, छोटी सी एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है, और वो वीडियो आप मुझे भेज देना। ये कहानी आप दोबारा सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो, चलो अब मैं आपको इसी कहानी को एक वीडियो के द्वारा दिखाती हूँ, ठीक है। एक और आपको छोटा सा वीडियो मैं दिखाती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता था और उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसे रास्ते में एक रोटी पड़ी हुई मिली। वो तुरंत रोटी की तरफ दौड़ा और रोटी को मुंह में दबाकर वहां से भाग गया। उसने सोचा किसी शांत जगह पर बैठकर आराम से रोटी को बड़े चाव से मजे लेकर खाऊंगा। रास्ते में एक नदी पड़ी। जब वो कुत्ता उस नदी के पास पहुंचा तो उसने पानी में अपने ही जैसा एक और कुत्ता देखा जिसके मुंह में रोटी दबी हुई थी। दरअसल वो थी तो उसी की परछाई, पर उसे लगा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी दबी हुई है। तब इस कुत्ते को लालच आ गया कि वो उसकी भी रोटी छीन ले और इस कुत्ते ने पूरी कोशिश की उस परछाई से रोटी छीनने की। जैसे ही इसने अपना मुंह खोला उसके मुंह से रोटी नीचे पानी में गिर गई और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वो भूखा ही रह गया। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहें।